Hey everyone, welcome back to my channel. So, नैनीताल ट्रिप begins और ये जो ब्लॉग है ये वाले ट्रिप मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, ये ट्रिप मैं मेरी फ्रेंड स्मिता के साथ कर रही हूँ जिनका एक चैनल है माइटमिन डी, लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगी तो आप देख लेना। तो हम दोनों आ गए हैं दिल्ली और अभी हम हैं निजामुद्दीन स्टेशन पे। और एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो यहाँ देखो ये वेटिंग रूम है, एसी वेटिंग रूम है। और यहाँ पे इस वेटिंग रूम में हम एक्चुअली कल शाम में निकले थे भोपाल से और अभी मॉर्निंग में आए, सुबह 6 बजे आ गए। और आने के बाद हम यही वेटिंग रूम में रुके हुए हैं क्योंकि हमारी जो बस है नैनीताल के लिए वो है 11 या 11:30 बजे है। तो ये एक बहुत अच्छी मतलब बात मेरे को लगी कि अगर हम बाहर से भारत के किसी भी कोने से आ रहे हैं और हमारी बस शाम में है, जनरली रात में ही होती है हमारी जो बस है, तो आप आराम से यहाँ पे आकर के यहाँ वेटिंग रूम में आप रुक सकते हो या लॉकर रूम में सामान रख करके फिर आप दिल्ली भी घूम सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे वेटिंग रूम में रुके हुए थे और थोड़ा फ्रेशन अप होकर के अभी निकल रहे हैं चाय पीने के लिए। आफ्टर दैट अभी 1 घंटे और बचे हुए हैं हमारे बस में, फिर हम निकलेंगे बस स्टैंड के लिए। तो ये देखो, ये है वेटिंग रूम जहाँ पे आप आ कर के वेट कर सकते हो। और यहाँ पे ये छोटा सा एक ये है, ये देखो कि मतलब यहाँ पे सैंडविच वगैरह सब मिलता है, वॉशरूम वगैरह भी पूरा है यहाँ पे। देखो ये है इसी वेटिंग हॉल और यहीं पे हम सुबह से रुके हुए हैं और यहीं पे हम फैशन अप भी हुए, अच्छा है, कंफर्टेबल सा है। अब हम बाहर निकल गए हैं निजामुद्दीन स्टेशन के बाहर, यहाँ पे हम थोड़ा सा चाय वगैरह पीना चाहते हैं, देखते हैं और क्या ऑप्शन है नाश्ता वगैरह के लिए। तो ये देखो, यही निजामुद्दीन स्टेशन के बाहर ही हम आ गए हैं चाय पीने के लिए क्योंकि यहाँ की चाय बहुत अच्छी मिलती है। अभी जब मैं लास्ट मंथ आई थी गुड़गांव जाने के लिए तो यहीं से मैंने चाय पिया था, तो यहाँ की चाय मुझे बहुत पसंद है। नाम तो चाय नहीं पी रही है स्मिता, क्या पी रही है? मैं गन्ने का, स्मिता गन्ने का जूस पी रही है, तो बस आज की शुरुआत। तो ये देखो, फाइनली हमारी इडली आ गई है, इडली विथ सांभर और इन्होंने चटनी भी दिया है। तो ये होती है खूबसूरती गर्ल्स ट्रिप पे आने की, और चूँकि स्मिता आई हुई है तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और हम बाहर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से बाहर आकर के थोड़ा सा इस जगह को एक्सप्लोर किए, चाय पिया और अभी नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद फिर हम निकलेंगे डायरेक्ट अक्षरधाम, जो मेट्रो है वहाँ एक बस स्टैंड है, वहाँ से हमारी बस है। तो बस हमारे दिन की जो शुरुआत है वो बहुत खूबसूरत हुई है, am I right? You're right. हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से हम सराय काले खां मेट्रो आ गए हैं और यहाँ से हमने 2 टिकट ली है, मेरी और स्मिता की। तो यहाँ से हम डायरेक्ट जाने वाले हैं, थोड़ी सी नई चीज़ें सीखना है मेरे को भी, अभी तक मैंने मेट्रो इंडिविजुअली मैंने मेट्रो ऑपरेट नहीं किया है। तो देखो, मैंने इंडिविजुअली खुद से टिकट लिए, अब हम यहाँ से अक्षरधाम मेट्रो जाएंगे जहाँ से मेरी बस है। तो चलो चलते हैं, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी। अच्छा ये देखो, हम ना मेट्रो से अक्षरधाम या मेट्रो स्टेशन पे उतर गए और यहाँ से देखो अक्षरधाम मंदिर का, अक्षरधाम का कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखो चारों तरफ का एक व्यू, एक क्विक व्यू देखो। ये देखो फाइनली हम आ गए हैं यहाँ और ये है हमारी बस, फास्ट ट्रैक बस है ये, डायरेक्ट अभी काठगोदाम जाएगी। शाम के 6-7 बजे तक हम काठगोदाम पहुँचेंगे। ओके, फाइनली द मिशन इज सक्सेसफुल, हम आ गए हैं बस पकड़ने के लिए और ये है हमारी बस। बहुत लेट हो गए हैं तो जल्दी से चले, पहले तो हम बस में बोर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो चलो आप लोगों को मैं ना बस का दिखाती हूँ इंटीरियर कैसा है। तो ये देखो बस अंदर से कुछ ऐसा दिखता है यार, बस का इंटीरियर बहुत प्यारा है, बहुत लग्जरी सा है। और ये 1516 नंबर जो है ये हमारा है, ये वाला जो सीट है ये।
थोड़ा सा ओवरऑल चारों तरफ का दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये इधर जो लोग सिंगल आए ना उनके लिए है, और इधर दो लोगों के लिए। ये कुछ ऐसा है। हाँ जी, तो ये देखो हम आ गए हैं बस के अंदर। ये स्लीपर बस है हमारी, ऊपर वाली सीट है, क्योंकि एज यूजुअल हमेशा हमारा जो प्रोग्राम बनता है बहुत लेट लतीफ वाला प्रोग्राम होता है, लास्ट मोमेंट वाला प्रोग्राम बनता है। और बस की सारी टिकट जो है वो नीचे जो सीट वाली रहती बैठने वाली वो बुक हो गई थी, बट कहीं से भी कोई भी किसी भी तरीके का मेरे को रिग्रेट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो लेट आए देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये देखो ये हमारा स्लीपिंग वाला है। और देखो ना कितना क्यूट सा है, कि ना कुप्पा जैसा है। थोड़ा बाहर का भी दिखाती हूँ, ये रुको दिखा रही बाहर का दिखा रही हूँ। ये देखो ये बाहर का व्यू है, ये देखो, ये थोड़ा सा कर्टन हटा के दिखाती हूँ। और अब रुको थोड़ा सा स्मिता मैम की तरफ कमरा घुमा रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है बहुत मजा आ रहा है। मैं अपने हस्बैंड को मिस कर रही हूँ, बच्चों को मिस कर रही हूँ। कितना अच्छा एक छोटा सा कमरा जो चल रहा है, क्यूट सा है ना, चल रहा है। हाँ बहुत मजा आ रहा है। ओके, तो लो जी, हमको ऐसा लग रहा था कि हमने वो वाला बस में ना बैठने वाली हमको सीट नहीं मिली थी, क्योंकि हमेशा की तरह आपको पता है कि जो जॉब करने वाले हैं उनका लास्ट मोमेंट में प्रोग्राम बनता है। फीमेल होती है ना, हाँ, थोड़ा सा जल्दी डिसीजन सेविंग की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। अब जो भी रीजन रहे, मतलब लास्ट मोमेंट में हमारा प्रोग्राम बना नैनीताल आने का, और लेकिन हमें वो वाला नीचे जो बैठने वाली सीट होती है ना, सिटिंग वाली, वो नहीं मिली, ये स्लीपिंग वाली। बट अल्टीमेट है ये, बहुत अच्छी है, एक छोटा सा केबिन जैसा है, और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो देखो हम निकल पड़े हैं गर्ल्स ट्रिप पे, और कहाँ जा रहे बताओ? नैनीताल। ये सो द गर्ल ट्रिप्स बिगिन। तो अभी हम लोगों को ये बस से कुछ रिफ्रेशमेंट मिले हैं, तो ये कोल्ड ड्रिंक मिला हुआ है, कोल्ड ड्रिंक है ये नहीं, जूस है, ये जूस मिला है, और ये चिप्स है, और ये देखिए ये आराम फरमा रही है दिल्ली सुबह से, दौड़ दौड़ के हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँचे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और अब हम करेंगे रिलैक्स और वीडियो एडिटिंग। दिल्ली से निकले हमें 2 से 2.5 घंटे हो गए, और अभी हम लंच के लिए रुके हैं। ये देखो मेरे पीछे शिवा ढाबा है, तो चलो चलते हैं और थोड़ा लंच कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का ही कुछ खाए हम लोग, ऐसी इडली वगैरह कुछ खाए हुए थे। तो चलो चलते हैं, आपको भी बताते हैं कि आप जब नैनीताल आओगे तो शिवा ढाबा का जो फूड है वो कैसा है, नॉमिनल है, कॉस्टली है, टेस्ट कैसा है, चलो पता करते हैं। ये है हमारा आज का लंच, एक मसाला डोसा और ये एक आलू पराठा, बटर अभी हमने ऊपर से डाला है। चलो इसको टेस्ट करते हैं और आपको भी बताते हैं यहाँ का खाना कैसा है। तो फाइनली हमने यहाँ पे लंच ऑर्डर कर लिया है। एक्चुअली क्या है, होल डे ट्रैवल करना है तो ज़्यादा मैंने हेवी नहीं मंगाया, बस एक आलू पराठा मंगाया और एक डोसा मंगाया है। और चार्जेस देखो एकदम नॉमिनल है, ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हो इस जगह पे। थोड़ा टेस्ट करके बता दें कैसा है। एक्चुअली आलू पराठा के साथ में इन्होंने एक मीठा अचार दिया है, और एक खट्टा सा वाला, आम का खट्टा अचार, नींबू का मीठा, तो उसके कारण अच्छा लग रहा है। डोसा कैसा है? डोसा भी अच्छा। सुबह के 11:30 के बैठे बैठे अभी शाम के 7:15 बजे हम पहुंच गए हैं काठगोदाम। और हमारी जो ये बस है अब ये यहीं तक है, यहाँ से देखो हम, ये एक छोटी वाली बस है। जैसे हम मसूरी जाते हैं तो देहरादून से हमें छोटी वाली बस चेंज करनी पड़ती है, ये बड़ी वाली वॉल्वो बस जो है वो नहीं जाती आगे। तो यहाँ काठगोदाम से जो हमने टिकट ली है ऑनलाइन, जो मेक माई ट्रिप से हमने टिकट ली थी ये के लिए देहरादून के लिए, सेम वही कॉस्ट में, अलग से आपको कुछ भी पे नहीं करना रहता है,
लेकिन यहाँ से अब आपको छोटी बस में नैनीताल के लिए जाना पड़ता है। तो चलो चलते हैं और छोटी वाली बस को बोर्ड कर लेते हैं। तो ये देखो फाइनली इस बस को छोड़ के हम छोटी वाली बस में जा रहे हैं और ये है हमारी छोटी वाली बस, ये देखो। तो ये देखो फाइनली हम आ गए हैं नैनीताल और ये है नैनीताल का फर्स्ट लुक और ये है मेरे सामने, ठीक सामने आप देखो ये है नैनी लेक। तो बस यहाँ हम बस स्टैंड पे हमको बस ने उतार दिया है और यहीं से हमने एक टैक्सी कर लिया है और उससे अब हम डायरेक्ट होटल निकल रहे हैं। सो ये देखो फाइनली हम होटल आ गए हैं और ये है होटल का फर्स्ट व्यू। तो ये देखो होटल कुछ ऐसा दिखता है और चलो अंदर चलते हैं और थोड़ा सा आप लोगों को और करीब से होटल दिखाती हूँ। एक्चुअली होटल जो है ना पूरा वुडन का इंटीरियर है तो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा सा चलो अंदर चलते हैं और रिसेप्शन की तरफ लेके चलते हैं। तो ये देखो ये है रिसेप्शन एरिया और इसको ये वेटिंग लॉन जैसा भी है। तो ये देखो तो चलो हम रूम की तरफ चलते हैं और आप लोगों को मैं अपना रूम दिखाती हूँ। होटल मैंने ऑनलाइन बुक किया था, इट्स ट्रिवो करके होटल का नाम है। तो ये देखो ये है होटल का फर्स्ट व्यू। ये क्या आते के साथ मैं अब वीडियो शूट कर ली क्योंकि देखो बाद में ना रूम ना गंदा हो जाएगा, मैशी हो जाएगा। तो ये देखो देखो बहुत ज़्यादा होटल जो है ना मतलब महंगा पड़ा लेकिन बहुत ज़्यादा होटल लग्जरी नहीं है, नॉर्मल सा होटल है। तो ये सामने देखो बेड है, दो साइड में टेबल है और थोड़ा सा और घूम के आते हैं। तो ये नीट एंड क्लीन, वॉशरूम अच्छा है, वॉशरूम जो है वो साफ सुथरा है, थक गए हैं हम। और थोड़ी एक टीवी यूनिट भी है, साथ में टीवी लगा हुआ। और यहाँ पे एक ड्रेसिंग एरिया जैसा बोल दो, यहाँ पे हमने अपना लगेज रखा हुआ है और ये ड्रेसिंग एरिया, साथ में मिरर और कबर्ड। हम दोनों थक गए, मैं भी थक गई हूँ और स्मिता भी थक गई। तो आज का ब्लॉग जो है अब हम यहीं पे वाइंड अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चलो हम डिनर ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि अब हिम्मत नहीं है बिल्कुल यहाँ से निकलने का। हाँ ना मैम, यहीं रूम में ही खाना मंगा। तो ये देखो हमारा डिनर आ गया है, मैम बहुत प्यार से सर्व कर रहे यार, मैम के साथ आके मज़ा आ गया मेरे को। तो डिनर में है हमारा पनीर चिली, ड्राई पनीर चिली, एक करी और रोटियां। एक करी का एग दिखा, थोड़ी गर्मा गर्म पनीर चिली। देखो ठंड बहुत है, नैनीताल को अंडर एस्टिमेट मत करना। अभी हम मार्च में हैं, आए हैं, आज 23rd है, 23rd मार्च है, भयंकर वाली ठंडी है। तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत सारे विंटर क्लोथ्स लेके आना। खाना अच्छा। यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि आपके रूम में नेट नहीं चल रहा है, वाईफाई भी ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। तो हमने तो सोचा था कि आज के दिन भर का जो वीडियो है उसकी एडिटिंग करके अपलोड कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुबह तक ये लोड हो पाए। चलो हम जल्दी से फटाफट खाना खा लेते हैं।